नमस्कार साथियों, मैं सुरेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं MLM फैमिली यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस और ट्रेनिंग वीडियोस। साथियों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं नौकरी और बिजनेस के बारे में, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको मदद करेगा एक राइट डिसीजन लेने में कि आपको अपने लाइफ में नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस। आज दोनों सेक्टर्स के बारे में हम प्रैक्टिकली तुलना करेंगे ताकि आपको पता लगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर मैं बात करूं नौकरी की, तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं और ना ही बिजनेस के। बस मैं आपको ये समझाने की, ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा सेक्टर हमारी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में क्या चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। जॉब और बिजनेस दोनों पैसे कमाने के जरिए हैं, लेकिन अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो ज़्यादातर लोग, यानी कि 70% लोग आज जॉब करते हैं या करना पसंद करते हैं, यानी 70% पीपल ऑफ इंडिया इज अंडर एम्प्लॉय। सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो हमारे भारत देश में है, क्योंकि यहाँ का जवान नौकरी करना पसंद करता है। पहले से ही हमें बताया जाता है कि बेटा पढ़ ले और एक अच्छी नौकरी कर ले, ये माइंडसेट बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी भर नौकरी करते हैं और जिंदगी भर अपने सपनों से, अपने परिवार के सपनों से कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि काम करने वाला कभी अमीर नहीं बनता। काम करने वाला कभी अमीर नहीं बनता, काम करवाने वाला अमीर बनता है। भारत में रहने वालों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक सही डायरेक्शन और सही माइंडसेट ना होने की। अगर मैं आपसे पूछूं कि नौकरी से ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है या बिजनेस से, तो आप सभी का यही जवाब होगा बिजनेस से, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के 30% लोग ही व्यापार करते हैं, जो कि अमीर हैं, कामयाब हैं, सफल हैं, जिन्हें दुनिया जानती है, जिन्हें दुनिया कामयाब कहती है, फिर भी हम नौकरी करते हैं। ये जो अमीर लोग हैं, ये बिजनेस करके अमीर कैसे बनते हैं, जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। दुनिया का 70% आदमी जॉब करता है जो कि गरीब है, मात्र 30% आदमी, 30% ही दिग्गज लोग जो कि अमीर हैं, वो बिजनेस करते हैं। तो ऐसे क्या फैक्ट्स हैं जो इतना बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं, जानते हैं? जो गरीब आदमी होता है वो हार्ड वर्क करता है, यानी कि जो 70% पीपल हैं वो हार्ड वर्क करते हैं जो गरीब हैं, अमीर आदमी स्मार्ट वर्क करता है। गरीब आदमी टाइम बेच के पैसा कमाता है, अमीर आदमी टाइम खरीद कर पैसा कमाते हैं। गरीब आदमी अपने टैलेंट से पैसा कमाते हैं, अमीर आदमी आपके टैलेंट का इस्तेमाल करके अमीर बनते हैं। गरीब आदमी पूरी जिंदगी अकेले काम करते हैं, अमीर आदमी टीम वर्क करके काम करते हैं, टीम वर्क करके पैसा कमाते हैं। गरीब आदमी पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम लेते हैं एवरेज, अमीर आदमी पैसिव इनकम लेते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनकम लेते हैं, पैसिव इनकम, काम ना करेंगे तब भी पैसा आएगा। एक्टिव इनकम का मतलब होता है काम करेंगे तो पैसा आएगा, शटर खुलेगी तो पैसा आएगा, ड्यूटी जाएंगे तो पैसा आएगा, जिस दिन हम खत्म उस दिन हमारा पैसा खत्म। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आपने एक बार एक ऐसा बिजनेस का मेथड डेवलप कर दिया, अगर नहीं भी वो जिंदा रहा तो पैसा आएगा। पैसिव इनकम यानी कि ना होने के बावजूद, काम ना करने के बावजूद भी पैसा आए, तो अमीर आदमी ऐसा मेथड बिजनेस का डेवलप कर देते हैं। गरीब आदमी पूरी जिंदगी एक सीमित इनकम लेते हैं, लिमिटेड इनकम लेते हैं, अमीर आदमी अनलिमिटेड इनकम लेते हैं। गरीब आदमी काम करके पैसा कमाते हैं, अमीर आदमी ये काम करवा के पैसा कमाते हैं। गरीब आदमी केवल जरूरतें ही पूरी करते हैं, अमीर आदमी सपने पूरे करते हैं।
गरीब आदमी जिंदगी भर समझौता करता है, कंप्रोमाइज करता है। अमीर आदमी की जिंदगी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और एक गरीब आदमी गरीबी पैदा होता है, पूरी जिंदगी काम करने के बावजूद गरीबी मर जाता है। एक अमीर आदमी स्मार्ट वर्क करता है और एक कुछ ही समय के बाद अमीर हो जाता है। तो ऐसा हमेशा जॉब बिजनेस करने वालों की जिंदगी में होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब नहीं करो, जॉब कीजिए, लेकिन अगर आपके पास सपने हैं तो आपको बिजनेस ही करना होगा। हमारे अंदर बहुत टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, दूसरों के लिए नहीं। अगर दूसरों को अपने टैलेंट से अमीर बनाते रहे तो कब तक नौकर कहलाओगे? और बहुत अच्छी बात कही है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। दुनिया में बहुत सारे बिजनेस हैं जो बिना पैसा के भी हो जाते हैं। आप सर्च कीजिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, सर्च कीजिएगा। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमेशा ऐसी ट्रेनिंग वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।